नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनआई न्यूज। जीएनआई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपेक्षा यादव। बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर, आइए देखते हैं खबर को विस्तार से। बाराबंकी के सफदरगंज चौराहे के बैकुंठ धाम आश्रम पर बीजेपी के महामंत्री राम सिंह वर्मा, आरएसएस अभियान प्रमुख सत्य प्रकाश श्रीवास्तव, विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष मसौली के मनोज वर्मा, बूथ अध्यक्ष अरुणेश श्रीवास्तव, आरएसएस मंडल प्रमुख अवनीश कुमार, आरएसएस संघ संचालक अरविंद राजपूत, ज्योति श्रीवास्तव व अन्य सदस्यों ने मिलकर शहीद हुए सैनिकों की बैनर तले श्रद्धांजलि देते हुए और कोरोना से बचाव के बारे में बताया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। आइए देखते हैं रवि वर्मा की एक खास रिपोर्ट, सच वही जो जेएनआई न्यूज दिखा है। यहाँ पर जो ये कार्यक्रम किया गया है, ये किस कारण से हुआ है? ये हमारे देश के एक प्रदेश छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नक्सली काफी दिनों से हावी थे, लेकिन बीच में किसी तरह का वो इनका मूवमेंट नहीं चल पा रहा था, लेकिन इसी बीच ये लोग अपना एक जो है षड्यंत्र रच के, और जो हमारे जवान जा रहे थे, जवानों की टुकड़ी जा रही थी जंगल में, तो इन लोगों ने घेर के और हमला किया, जिसमें हमारे 22 जवान शहीद हो गए, जिससे आज पूरा देश और पूरा क्षेत्र जो है उदास है। लेकिन सरकार जो भारत में है वो दृढ़ संकल्प है कि हम किसी तरह से इस तरह की गतिविधियों को नहीं चलने देंगे, क्यों ना हमें कितना भी कठिन कदम उठाना पड़े। ये लोग एक जवान को पकड़ भी ले गए थे, लेकिन सरकार का इतना दबाव था कि उसको वो जो जवान ले गए थे ये लोग पकड़ के, उसको सुरक्षित वापस करना पड़ा। ये दिखाई पड़ा कि वास्तव में जो है सरकार कुछ करना चाहती है, नहीं तो शायद ऐसा ना हो पाता कि वो जिंदा वापस आता। उसी के क्रम में हम सभी लोग यहाँ पे क्षेत्र के उपस्थित होकर के मास्टर साहब की अगुवाई में यह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर रहे हैं, और हम लोग दीप जलाकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सभा का आयोजन किया गया है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये जैसा कि अभी छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला हुआ था जिसमें हमारे 22 जवान शहीद हुए। पहली बात तो शहीद नहीं कहना चाहिए, मरते हैं हमारे जवान, उनका अगर उनको सम्मान देना है तो उनको हुतात्मा कहना चाहिए। हुतात्मा एक सम्मान प्रिय शब्द है, तो शहीदों को हमारे ख्याल से आज के बाद हुतात्मा शब्द कह के पुकारना चाहिए। तो जो छत्तीसगढ़ में हमला हुआ था उसमें जो 22 हुतात्मा हुए थे, उनके लिए हम लोगों ने आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया। हम लखनऊ से आए हैं, लखनऊ में हमारी एक संस्था है विनिर्मुक्ता नाम से, जिसमें हमारा काम है लोगों को जागरूक करना कि आज के समय में देख रहे हैं आप कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, दूसरा पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। तो यही हमारा एम उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना कि लोग पॉलीथीन ना जलाएँ और गंदगी ना फैलाएँ, जिसकी वजह से पॉल्यूशन कम हो, लोगों की बीमारियाँ कम हो, बस यही संदेश कर रही है। जो ये कोरोना महामारी चल रहा है उसके बारे में आप देशवासियों को क्या संदेश देंगे? कोरोना महामारी एक बहुत बड़ी महामारी है। संदेश यही है हमारा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखें और मास्क का प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि लोगों से दूरी बना के रखें अपनी। यही एक उपाय है अभी तक की, और काढ़ा है, तुलसा दल है, गिलोय है, इन सब का प्रयोग करें जिनसे वो घर पे रह के खुद को बचा सकें और जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकले। एक विनम्र निवेदन ये है कि जैसे कि जो शहीद हमने अभी कहा कि उर्दू शब्द है, ऐसा नहीं है कि उर्दू शब्द की वजह से हमें शहीद नहीं कहना चाहिए। हमारे देश में बहुत से मुसलमान भाई, हिंदू भाई सब हमारे देश के लिए अपनी जान समर्पित करते हैं, लेकिन अगर बुरहान वानी जैसे लोगों को शहीद कहेंगे तो ये सब हमारे शहीद नहीं हुए, ये हुतात्मा हुए। इसीलिए जो शहीद जो लोग हमारे देश के लिए अपनी जान समर्पित करते हैं उनको हम हुतात्मा कहना चाहते हैं, इसीलिए इनको शहीद ना कह के इस सम्मानजनक शब्द हुतात्मा देना चाहते हैं।